तो बेटा ये जो 15 मिनट्स का अपना डिस्कशन रहेगा, ये आप जो पेपर हुआ है 29th ऑफ नवंबर को SCMPE का ग्रुप 2 का पेपर 1 जो है उसके बारे में पूरा डिस्कशन रहने वाला है। सबसे पहले अपन एक क्विक रिव्यू लेते हैं इस पेपर का विद इन 1 से 2 मिनट में कि ये पेपर कैसा था। जनरली जब भी मैं रिव्यू करता हूं एज अ फैकल्टी तो मैं इन 3 पॉइंट पर जरूर फोकस करता हूं। पहला, लेवल ऑफ पेपर क्या था। सेकेंड, थ्योरेटिकल पोर्शन कितना आया, प्रैक्टिकल पोर्शन कितना आया, और जो इस पेपर की थीम है एनालिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट कितना पोर्शन आया परसेंटेज वाइज अगर अपन बात करें। एंड द थर्ड, सोर्स ऑफ क्वेश्चन, क्या स्टडी मटेरियल ICAI के मटेरियल बेस्ड क्वेश्चन आए या ऑल टुगेदर क्वेश्चन न्यू थे, इंटरनेशनल बेस्ड क्वेश्चन थे, इसके बारे में एक अपन क्विक रिव्यू लेते हैं, फिर वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को अपन बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो डिटेल सॉल्यूशन पार्ट है वो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें पूरा इसका अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लेवल ऑफ पेपर की। इट वॉज एन ईजी पेपर। आप जब मेरे 2018 के 2019 के वीडियो देखेंगे तो कुछ पेपर को मैंने टफ भी बोला हूं, कुछ पेपर को मैंने मॉडरेट भी बोला हूं। मैं जब भी टफ ईजी मॉडरेट पेपर बोलता हूं तो मैं एज अ स्टूडेंट व्यू पॉइंट से बताता हूं, कभी भी एज अ फैकल्टी नहीं बेटा, क्योंकि हमारा व्यू पॉइंट उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता। जो बच्चा पेपर दे रहा है उसको ये पेपर कैसा लगा उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं। जो मुझे मैसेज रिसीव हुए, जो मैंने कॉल में कुछ बच्चों से बात किया और मैंने भी जो ये पेपर देखा उसके हिसाब से मुझे लगता है ये पेपर ईजी कैटेगरी का है। रीजन बहुत सिंपल है, इजी बोलने का पर्पस ये है, जब ये पेपर मेरे हाथ में आया तो टिल क्वेश्चन नंबर 5A, आई रिपीट, टिल क्वेश्चन नंबर 5A मुझे एक भी ऐसा अनकंफर्टेबल क्वेश्चन नहीं लगा, क्योंकि मैं आऊंगा इसके थर्ड पार्ट में सोर्स ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि टिल क्वेश्चन नंबर 5A जिन बच्चों ने ICAI का स्टडी मटेरियल RTP MTP को बेस बनाया था, टिल क्वेश्चन नंबर 5A दे आर वेरी मच कंफर्टेबल इन दिस पेपर। सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दिया, कंपनी का नाम चेंज कर दिया, जो ओरिजिनली बिजनेस था वो पर्टिकुलर केस स्टडी में उस बिजनेस को चेंज कर दिया, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे टिल क्वेश्चन नंबर 5A तो बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट आप बोल सकते हैं ICAI के मटेरियल से। तो ये पेपर एक्सेप्शनल पेपर था एज कंपेयर टू 2018 2019 के जो अटेम्प्ट हुए थे उसमें पेपर इजी नहीं था, वो मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में था, लेकिन ये पेपर इजी था क्योंकि यहां पे बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम भी मिला था। जब मैं मई की बात कर रहा हूं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट मई 20 में अपियर होने वाले थे, तो जो एक्स्ट्रा टाइम मिला उसके कारण भी वो मॉड्यूल में और भी ज्यादा, जो 2 रिविजन करता था वो 3 रिविजन कर पाया। तो जिन्होंने अपना स्टडी बेस मॉड्यूल को बनाया है, RTP MTP को बनाया है, जरूर वो मेरे इस व्यू से बिल्कुल एग्री करते होंगे कि दिस वॉज द इजी पेपर। हाँ, कभी एक आध क्वेश्चन उनका गलत हो जाए तो बच्चा पैनिक में आ गया होगा, लेकिन फिर बाद में कंफर्टेबली वो उसने इस पेपर को मैनेज किया है। तो लेवल ऑफ पेपर इजी पेपर बेटा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आर फ्रॉम ICAI मटेरियल, ठीक है। सेकेंड, थ्योरेटिकल कितना था। जब आप इस पूरे पेपर को देखेंगे तो कोई भी डायरेक्टली थ्योरी क्वेश्चन नहीं था। जनरली एक्सपेक्ट आप करते हो 2018-2019 के अटेम्प्ट से कि कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होगा 10-20 मार्क्स के आसपास, लेकिन इस पेपर में कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं था। ये पेपर सिर्फ और सिर्फ 2 लेवल पर टेस्ट किया गया, एक प्रैक्टिकल, दूसरा एनालिटिकल। अब इनके अगर मैं प्रपोर्शन की बात करूं प्रैक्टिकल और एनालिसिस पोर्शन, तो अप्रोक्सीमेटली ये आपका बैठेगा 40% प्रैक्टिकल पेपर था, 60% आपका एनालिसिस या एनालिटिकल पेपर था है। और होना भी चाहिए बेटा, क्योंकि ICAI ने लगातार 18-19 में भी और अपने ICAI के स्टडी मटेरियल RTP MTP में भी, जबकि आप इस बार की भी RTP देखेंगे, 2019 की RTP या MTP देखेंगे, तो वही एनालिटिकल पोर्शन चल रहा था। तो कोई सरप्राइज नहीं है कि 60% इसका पूरा जो वेटेज है इस पेपर का वो एनालिटिकल है एंड 40% बिलोंग्स को प्रैक्टिकल। सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर था कि कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा नहीं गया है। रिगार्डिंग सोर्स ऑफ क्वेश्चन, मैं बिल्कुल ये क्लेम नहीं कर सकता हूं कि ये जो पेपर आया है ये मेरे नोट से आया है, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है बेटा, ये पूरा पेपर ICAI के स्टडी मटेरियल से था। मैं 125 मार्क्स की बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग दैट ऑप्शनल क्वेश्चन, तो 125 में से लगभग 2-3 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, 115 मार्क्स का पेपर आपके ICAI के स्टडी मटेरियल, ICAI की RTP, MTP और पास्ट एग्जामिनेशन पेपर से ही आया है।
तो सोर्स ऑफ क्वेश्चन जो कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल था, तो ये पेपर पूरे ऑल इंडिया लेवल पर मेरे हिसाब से जो मैंने बोला इजी गया वो जाना ही चाहिए बेटा, क्योंकि हर बच्चा कोचिंग लगाने के बाद भी पूरा अपना जो स्ट्रेटेजी बनाता है उसका फोकस ये जरूर रहता है कि क्या जो भी फैकल्टी है या हमने आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली कवर किया या नहीं किया। तो ये पेपर 100 out of 100 आप बोल सकते हो, फुल मार्क्स गिवन टू द आईसीआई की। अधिकतर क्वेश्चन सिर्फ 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे, वो थोड़ा सा आप यूनिक बोल सकते हो जो आपके स्टडी मटेरियल में अवेलेबल नहीं थे। अब रिगार्डिंग सोर्स ऑफ क्वेश्चन में मैं एक और चीज यहां पे बोलना चाहूंगा, जब मैं बोल रहा हूं आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो 125 मार्क्स में से मैं मान के चल रहा हूं 12 to 15 मार्क्स का पेपर यूनिक था जो आपके ऑलरेडी मटेरियल में कवर्ड नहीं था। उसके अलावा उसी में जो अब रिमेनिंग 115 मार्क्स बचे इंक्लूडिंग ऑप्शनल क्वेश्चन, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे थे जो आईसीआई के ओल्ड सिलेबस से पूछे गए थे। जी हाँ, आई रिपीट, आईसीआई के ओल्ड सिलेबस से वो क्वेश्चन थे। मैं आपको बताऊंगा लगभग वैसा क्वेश्चन आपको आईसीआई के स्टडी मटेरियल में मिलेगा, लेकिन वो जो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी उस ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन में, वो न्यू सिलेबस में उस टाइप का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन में वो अवेलेबल था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जो बच्चे मई 21 या नवंबर 21 में अटेम्प्ट दे रहे हैं कि उनको ओल्ड सिलेबस के भी क्वेश्चन करना है बेटा। बहुत सिलेक्टिवली ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन ही आपके न्यू सिलेबस में अप्लीकेबल होते हैं। स्पेशली मैं ये उनके लिए बोल रहा हूं जो मई 21 और नवंबर 21 या जनवरी 21 में जिन बच्चों ने अभी ऑप्ट आउट किया है, तो जनवरी 21 में जो अटेम्प्ट देंगे वो भी ये ध्यान रखिएगा ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन 100% वैलिड नहीं है। बहुत सिलेक्टिवली क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के न्यू सिलेबस में अप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो सम अप कर दूं मैं सोर्स ऑफ क्वेश्चन का, लगभग 95 मार्क्स का क्वेश्चन आउट ऑफ 125 आपके आईसीए के न्यू सिलेबस के मटेरियल से ही था, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके ओल्ड सिलेबस से था, एंड 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन था। अब अगर मैं बात करता हूं चैप्टर वाइज, यहां पे देखिए आईसीए से कंप्लेन रहेगी, मैंने 2019 के वीडियो में भी ये बोला था कि जब आप बंच ऑफ चैप्टर वाइज मार्क्स फिक्स कर देते हैं तो आपको उसमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जब भी फैकल्टीज भी उस चैप्टर को पढ़ाती है या बच्चा भी अपने तरफ से सेल्फ प्रिपरेशन करता है तो वो चीज बच्चा ध्यान रखता है, लेकिन जब पेपर आता है तो पता लगता है वो वाला पैटर्न फॉलो नहीं हुआ था। जैसे जब आप देखेंगे तो आईसीए ने क्लियर कट बोला था चैप्टर नंबर 1 to 5 आपके 25 मार्क्स बिलोंग करते हैं, आउट ऑफ 100 मार्क्स ये 15 मार्क्स, ये 25 मार्क्स, ये 15 मार्क्स। जबकि आप अभी का जो पैटर्न देखेंगे इस पैटर्न में कहीं भी आपको ये पैटर्न फॉलो होते हुए नजर नहीं आएगा। अगर अपन चैप्टर नंबर 11 to 12 की बात करें तो यहां से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सिर्फ 10 मार्क्स का पूछा गया है, जबकि यहां पे अगर आप देखेंगे तो 60 मार्क्स का पूछा गया है। चैप्टर नंबर ये 24 29 लगभग 29 मार्क्स और रिमेनिंग मार्क्स आपको यहां पे मिल जाएंगे लगभग 26 मार्क्स का यहां पे पूछा गया है। तो यहां पे आईसीए को थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना चाहिए कि जब आपने एक बंच ऑफ चैप्टर वाइज हमें मार्किंग दिया है तो उसी मार्किंग के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फैकल्टी भी इस चीज के लिए आदी हो चुका है, प्लस जो स्टूडेंट है उन्हें भी पता है कि आईसीए कहीं ना कहीं फिर वो रिशफल कर देता है। तो लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जब आप चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि 1 to 5 चैप्टर से 26 मार्क का पूछा गया तो लगभग इक्वल वेटेज दिया गया हर चैप्टर को। ये पेपर जिन बच्चों ने बहुत सिलेक्टिव पढ़ा था उनको जरूर दिक्कत आई होगी। जब मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 to 5 में, तो यहां पे किंग मेकर बना है चैप्टर नंबर 4। जी हाँ, जब मैं 1 to 5 की बात कर रहा हूं 26 मार्क्स का जो आपका पेपर था आउट ऑफ 125 मार्क्स, इसमें किंग मेकर रहा है चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, उसमें से मेजोरिटी ऑफ द 26 मार्क्स का पूछा गया है। चैप्टर नंबर 6 to 7 बोलेंगे तो लगभग इक्वली बोल सकते हो आप, 29 मार्क्स में से कोई 15 मार्क्स का पूछा गया, कोई 10 मार्क्स का पूछा गया। तो एज सच यहां पे कोई किंग मेकर नहीं है कि चैप्टर नंबर 6 में से बहुत ज्यादा पूछ लिया गया चैप्टर नंबर 7 से। लेकिन चैप्टर नंबर 8 से जब मैं 10 की बात करता हूं तो यहां पे किंग मेकर चैप्टर नंबर 8 में है। लगातार जब आप मेरे रिवीजन लेक्चर्स देखे होंगे बेटा तो मैंने उसमें लगातार ये बोला था कि नवंबर 20 के अटेम्प्ट में चैप्टर नंबर 8 विल बी द किंग मेकर एंड चैप्टर नंबर 8 आउट ऑफ 60 मार्क्स, ये 50 मार्क्स का ये चैप्टर पूछा है। आप देखिएगा मैंने हर वीडियो में इसके ऊपर स्ट्रेस किया था कि स्पेशल एफर्ट्स आप दीजिएगा चैप्टर नंबर 8 को, मुझे पूरी उम्मीद है
जिन बच्चों का भी अभी अटेम्प्ट था उन्होंने पूरी मेहनत किया था चैप्टर नंबर 8 में, तो यहां पे इस पेपर में अगर आप ओवरऑल देखेंगे, अगर आउट ऑफ 12 चैप्टर किंग मेकर विल बी द चैप्टर नंबर 8 परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, सबसे टेक्निकल चैप्टर भी था, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डिमांड करता है, लेकिन अच्छी बात यह थी ये 50 मार्क्स में से 40 मार्क्स के क्वेश्चन एज इट इज इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से आए हैं। सिर्फ उन्होंने जो बिजनेस था उस क्वेश्चन का और इस जो पेपर आया इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन बहुत कंफर्टेबली स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है। इवन जो ईवीए का क्वेश्चन था इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का, वो तो बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट करके दिया है। तो किंग मेकर जरूर बना है, लेकिन जिन बच्चों ने दो रिविजन तीन रिविजन इस चैप्टर का किया है, पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 8 का, कंफर्टेबली उन्होंने इसको क्रॉस किया है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं 10 मार्क्स, ये 10 मार्क्स आईसीएनए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 भी, वहां के मार्क्स यहां पे कवर किया है। मतलब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 आप बोलो, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, इनसे कुछ भी नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ठीक है, पार्ट एंड पार्सल है ये चीज। ये होता है बेटा एक क्विक रिव्यू इस पेपर का। अब अगर मैं क्वेश्चन वाइज बात करूं तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 8 में। सेम जब आप रिक्वायरमेंट पार्ट देखेंगे तो रिक्वायरमेंट पार्ट भी बिल्कुल मैच करती है। ये मिलेगा आपको सिल्वर सैंड करके एक क्वेश्चन था आपके चैप्टर नंबर 8 में, बिल्कुल मैं बोलूंगा कट कॉपी पेस्ट है, कुछ भी नई रिक्वायरमेंट मुझे नहीं समझ में आई। जिस बच्चे ने वाला क्वेश्चन अच्छे से किया है वो बहुत कंफर्टेबल रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 में, और मेरे हिसाब से जो बच्चों का पेपर बिगड़ता है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है उसी के कारण बिगड़ता है। लेकिन जब बच्चे ने इसको पढ़ा होगा और फिर लास्ट में रिक्वायरमेंट पार्ट को पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं जो आईसीए के मटेरियल में सिल्वर फ्रेंड का क्वेश्चन था वो फिर जरूर याद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज कॉपीड है बेटा, कुछ भी नया नहीं है। या बोल सकते हो जो इसका इनिशियल पार्ट नंबर ए था वो एक जनरल पार्ट था, वो आप कोई भी चैप्टर के साथ उसको लिंक कर सकते हैं, और फिर बचा हुआ पार्ट आपका टारगेट कॉस्टिंग से रिलेटेड है। ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट 2018 या 2019 में से किसी एक अटेम्प्ट में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं जो लगभग 4 पेजेस में आपका जाता है, ये बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है आईसीए के स्टडी मटेरियल से। जब 2019 में आईसीए का स्टडी मटेरियल रिलीव हुआ था तो उन्होंने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको आपके स्टडी मटेरियल में मिलेगा। तो मेरे हिसाब से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 3 को जरूर अटेम्प्ट किया होगा और लगभग उनका सही भी हुआ होगा। फिर मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपको उसमें ए में आपके पास चॉइस है, ए वाला जो पार्ट है वो एज इट इज आपको चैप्टर नंबर 6 में डिसीजन मेकिंग में मिल जाएगा, ये आपको आरटीपी और एमटीपी में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 ए का जो सेकंड ऑप्शनल पार्ट है उसमें जो 5 रिक्वायरमेंट है उनमें से सिर्फ पहली रिक्वायरमेंट ही मुझे नहीं लगी, बाकी चारों रिक्वायरमेंट आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए का ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसके सेकेंड से लेकर फिफ्थ पार्ट तक ऑलरेडी एग्जामिनेशन में कवर किया जा चुका है आपके स्टडी मटेरियल में। मैंने बोला बेटा क्वेश्चन नंबर 5A तक बिल्कुल स्मूथ चलता है पेपर, ऐसा कहीं नहीं लगता कि हमें कोई पैनिक होने की जरूरत है। तो बहुत लक्की है वो बच्चे जिन्होंने अभी नवंबर 20 अटेम्प्ट दिया है, क्योंकि ऐसा पेपर 18 में भी नहीं आया था ना ही 2019 में आया था, और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि जो जनवरी या मई 21 में जो पेपर होने वाला है वो इस टाइप का मॉड्यूल बेस्ड पेपर पूरा आएगा, अभी तक का आईसीआई का पैटर्न नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 4B की जब मैं बात करूं तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका था, इसको रिपीट किया गया और ये स्टडी मटेरियल में भी अवेलेबल था जो 2019 में आईसीआई ने रिलीज किया था। फिर जब क्वेश्चन नंबर 4C की बात करता हूं, यही मैं बात कर रहा हूं बेटा, इस टाइप का लगभग एक सिमिलर क्वेश्चन आपको ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर नंबर 9 डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग का आपको आपके न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल में मिलेगा। लेकिन उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है, जब आप रिक्वायरमेंट पार्ट के जस्ट ऊपर वाला पैरा पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कंपनी वांट्स टू फिक्स यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइस, जबकि आईसीआई की स्टडी मटेरियल में न्यू सिलेबस में जो सिमिलर क्वेश्चन है उसमें यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइसिंग वाली लैंग्वेज नहीं थी। तो मैं बोलूंगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यूनिक जाता है, लेकिन जिन बच्चों ने ओल्ड सिलेबस के या जिन फैकल्टीज ने सिलेक्टिवली ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन भी कवर किया था तो ये वाला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में कवर था कि हमें यूनिफॉर्म ट्रांसफर प्राइस निकालना है 3 डिपार्टमेंट के लिए, तो ये वाला क्वेश्चन आपका ओल्ड सिलेबस से आता है क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 5A आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। अगेन ये चैप्टर नंबर 4 में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, कोई नई रिक्वायरमेंट इन्होंने नहीं पूछा है। फिर अब जरूर क्वेश्चन नंबर 5B जो मैंने आपको बोला था 10 to 12 मार्क्स, मुझे लगा कि ये नया है, ये जरूर आपके एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5B। जिन बच्चों का चैप्टर नंबर 8 में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही होगी, उन्होंने अलग क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, नहीं तो ये थोड़ा सा टिपिकल साइड पे है अगर क्वेश्चन नंबर 5B की मैं बात करता हूं। फिर अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6A की बात करता हूं, तो बेटा ये अगेन ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग का। इसमें दो सिचुएशन थी, मैनेजमेंट स्ट्राइक होने दे या स्ट्राइक ना होने दे, उसके कारण कितना लॉस होता है। तो अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दो क्वेश्चन 10 मार्क्स के ओल्ड सिलेबस से कॉपी किए गए, तो ये वन ऑफ द क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगेन प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरियंस पूछेगा, लेकिन आईसीए ने एक सिंपल ही रखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लास्ट क्वेश्चन। तो बड़ा अच्छा लगा बेटा, आईसीए ने एक बहुत अच्छा पेपर बच्चों को दिया इस COVID-19 के सिनेरियो में, क्योंकि देखिए जब जब पोस्टपोनमेंट होता था पेपर का कि एग्जाम कैंसल हो रही है, या जो रूमर्स होते थे सोशल मीडिया में, कहीं ना कहीं उसके कारण बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब हुई थी और होती भी है, इट्स वेरी नेचुरल। तो इस सिचुएशन में ऐसा पेपर देके आईसीए ने एक अच्छा बेनिफिट दिया है स्टूडेंट्स को, उम्मीद है इस बेनिफिट को स्टूडेंट्स ने पूरा अवेल किया होगा। बेटा जिन बच्चों ने भी पेपर दिया है उनसे रिक्वेस्ट है, आप अपना जो व्यू है इस पेपर का वो कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा, और ट्यूनिंग रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी विद इन 2 या 3 डेज इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको अपलोड करता हूं बेटा, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिमेनिंग पेपर, जो बच्चे नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं और जो January 21 या May 21 दे रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक बेटा। ये एनालिसिस जरूर काम आएगा, लेकिन बस एक ही रिकमेंडेशन रहेगा, आप ये मत मानिए कि इस बार का जैसा स्टडी मटेरियल बेस्ड पेपर आया है वैसा ही पेपर आपको आपके अटेम्प्ट में भी मिलेगा, हो सकता है न्यू क्वेश्चन भी आपके लिए आए, तो बी रेडी फॉर द एक्सट्रीम एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।